जो कार्रवाई चल रही है इस वक्त आधार को डेटा के साथ वोटर के साथ वोटर आईडी के साथ लिंक करने का, ये काम फौरन रोका जाए और इसके ऊपर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौरन अपना स्टेटमेंट जारी करे और वो क्लियर करे कि ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या कंपलसरी है या वैलेंट्रीली है। क्योंकि जब से हम देख रहे हैं बीजेपी हुकूमत है, कई हिडन एजेंडास इनके काम करते आ रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट का कोई सरकारी ऑर्डर है जो आवाम से छुपा हुआ है, जो कंपलसरी करके डेटा कलेक्शन कर रहा है, ये अभी तक पब्लिक में नहीं है। पब्लिक में बड़ा कश्मकश है, बड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए हम डिमांड करते हैं डिप्टी कमिश्नर इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट जारी करे और जब तक क्लियर डायरेक्शन और डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बनता है इंडिया में क्लियर तौर पर, तब तक ये ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए। पत्रिका भवन में गुलबर्गा CPIM के तरफ से एक प्रेस मीट रखी गई थी जो कि गुलबर्गा सिटी सेक्रेटरी कॉमरेड MB सज्जन साहब ने एड्रेस किया। आज प्रेस मीट का जो मकसद था, जो इस वक्त वोटर कार्ड्स को आधार से जो कार्ड से जो लिंक किया जा रहा है इसके टॉपिक के ऊपर था, जो CPIM का क्लियर स्टैंड है, वी क्लियरली अपोज लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विथ वोटर आईडी। जैसे कि हमारे पास अभी तक देश में जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बना है, जब डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बना है तो जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा हर सिटीज़न का, ये डेटा जो है या तो लीक के ज़रिए, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं आधार का डेटा कई बार लीक हो चुका है, तो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर हमला होगा और ये जो कंसर्न्स हैं दूसरे बहुत सारे, जैसे वोटर डिलीशन के केसेस हुए हैं आंध्रा में, तेलंगाना में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये जो पहले हुआ था, ऐसे चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने क्लियर कहा है कि भाई ये कार्रवाई जो चल रही है, ये जबरन ज़बरदस्ती जो कार्रवाई चल रही है वोटर आई डीज़ को आधार के साथ लिंक करने का, इसको रोका जाए। ये इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन क्लियर है कि ये कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, ये वैलेंट्रीली है। अगर कोई करना चाह रहा है तो कर सकता है, अगर जो कोई नहीं करना चाह रहा है तो नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक कोई क्लियर उस पर डायरेक्शन नहीं है, डिप्टी कमिश्नर ने अभी तक ये नहीं कहा है कि भाई ये कंपलसरी है या ये वैलेंट्रीली है, लेकिन जिस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगाकर, टीचर्स को लगाकर, एरिया एरिया हर घर भेजकर जिस तरीके से डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के ख़िलाफ़ है। तो हम ये ही कह रहे हैं कि भाई ये कार्रवाई फौरन रोकी जाए, जब तक इस मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनता है, ये डेटा कलेक्शन करना यहाँ की जनता की प्राइवेसी के लिए भी एक बड़ा मसला है। और साथ ही साथ ये मामला यही नहीं है, ये डेटा कलेक्शन जो है अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ कई डेटा बेस हैं, जैसे PDF सिस्टम जो रेशन कार्ड वगैरह के डेटा हैं, ऐसे कई और उनके पास डेटा बैंक्स हैं जहाँ से वो डेटा को लिंक कर सकती है। लेकिन ये घरे घर हर घर को घर भेजकर इलेक्शन कार्ड को, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के पीछे का मकसद अभी तक वाजह और साफ़ नहीं है कि ये क्यों कराना चाह रही है। और जहां तक की बात है कि भाई ये CAG का एक रिपोर्ट भी है कि आधार कार्ड डुप्लीकेट आधार कार्ड बहुत बने हैं, तो इसका सीधा सीधा ये होगा कि आप वोटर आईडी और जब आधार लिंक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डुप्लीकेट आधार को ऑथेंटिकेट करने का भी काम कर रहे हैं, जो कि ये सरासर कानूनन भी गलत है।